तो दोस्तों फाइनली मैं ऐसे लोन एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि बेसिक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपको यहाँ पर मिलने वाला है 5,000 रुपये तक का लोन अमाउंट से। कैसे ये पॉसिबल है, क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या डॉक्यूमेंटेशन होगा, सारे चीज़ इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ देने वाला हूँ। इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिए, बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा। स्किप करके देखेंगे तो बिल्कुल भी आपको यहाँ पर समझ में नहीं आने वाला, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लीजिए। दोस्तों मैं उम्मीद और आप देख रहे हैं टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आने पे वीडियो को करिएगा लाइक, हमारे चैनल पे पहली बार आया तो करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैं आ चुका हूँ मोबाइल की स्क्रीन पे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ऐसे लोन एप्लीकेशन के बारे में जिसमें कि आपको 5,000 रुपये तक का लोन अमाउंट मिल सकता है। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन के अंदर ऑलरेडी रजिस्टर किए हैं तो सिंपल आप मोबाइल नंबर और पासवर्ड के साथ यहाँ पर सिंपल लॉगिन कर लीजिए। लेकिन हम बात करेंगे कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो चलिए इसे हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो दोस्तों रजिस्टर का पेज कुछ इस तरह का खुलेगा, जो भी आपको यहाँ मोबाइल नंबर देना है और एक पासवर्ड अपने अनुसार इंटर कीजिए और सेंड ओटीपी करके वेरिफिकेशन कर लीजिए। चलिए इसे हम कर लेते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है। जैसे ही रजिस्टर के ऊपर आपको क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देख पाएंगे, जैसा कि यहाँ पर आपको 5,000 रुपये की लिमिट मिलेगी और यहाँ पर देख सकते हैं 15 दिनों की लोन टर्म होंगे। और इंटरेस्ट रेट की बात करूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं 1.47% आपको चार्ज यहाँ पर देना पड़ेगा। तो दोस्तों अप्लाई नाउ के ऊपर अगर आप क्लिक करना चाहते हैं, यानी अप्लाई करके आप लोन्स को लेना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर 4 स्टेप में आपको यहाँ पर डिटेल्स फिलअप करने होंगे, यानी इन्फॉर्मेशन शेयर करने होंगे। जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करना होगा, फिर एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन देनी होंगे, फिर आपको बैंक स्टेटमेंट आपको यहाँ पर शेयर करना होगा, उसके बाद यहाँ पर KYC फोटोज वगैरह शेयर करने होंगे। दोस्तों यहाँ पर पर्सनल की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट आपको यहाँ पर शेयर करने होंगे। जैसे कि डिटेल्स में अगर हम बात करें तो सिटी, एड्रेस, यहाँ पर वेरिफिकेशन एड्रेस आपको सारी चीज़ें कर लेना है। यहाँ पर किसी भी आप यहाँ पर रिलेशन का नंबर, मोबाइल नंबर एंटर कर देना होगा, सारी चीज़ें ये सब फिलअप कर दीजिएगा जो भी आपका एड्रेस और आपके रिलेशन में होंगे। चलिए सब सारी चीज़ें जैसे आप सेव करते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर इंट्रो में भी अपना इन्फॉर्मेशन देना होगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मेरिटल स्टेटस, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो सारे चीज़ें यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपका जो भी क्वालिफिकेशन होगा वही चीज़ आप यहाँ पर मेंशन कीजिएगा और दोस्तों यहाँ पर सिंपल सेव कर देना है। तो ये दोस्तों ये पर्सनल डिटेल्स में आपको ये सारी चीज़ें फिलअप करने हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो दोस्तों एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ वर्क से रिलेटेड आपको यहाँ पर कंपनी नेम, कंपनी टाइम, ज्वाइन डेट, यहाँ पर ऑफिशियल ईमेल आईडी और मंथली सैलरी क्या है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शेयर करना होगा और यहाँ पर इनका मोबाइल नंबर भी कंपनी का यहाँ पर देने होंगे। तो दोस्तों इस तरह से आपको यहाँ पर डिटेल्स शेयर करने होंगे। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे बैंक के बारे में। तो अगर बैंक के ऊपर हम जाते हैं तो आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करने होंगे, जैसे कि IFSC कोड, अकाउंट नंबर और कंफर्म अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। तो दोस्तों आप अगर पेटीएम का अकाउंट अगर ऐड करना चाहते हैं तो पेटीएम में भी आप अमाउंट ले सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे फ़ोटोज़ के बारे में। तो दोस्तों अगर फ़ोटो वाले सेक्शन में अगर चलते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको आधार, पैन और फेस रिकॉग्नाइजेशन आपको यहाँ पर कंप्लीट करना होगा, डॉक्यूमेंट्स यानी कि KYC डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर देने होंगे। तो दोस्तों यहाँ फोटो प्रूफ में आपको यहाँ जैसे कि मैंने बताया एक फेसिंग वीडियो आपको अपलोड करना होंगे, आधार नंबर देना होगा, आधार कार्ड का फ्रंट और बैक कॉपी आपको अपलोड करनी होगी। दूसरी चीज़ें ये कि आपको पैन कार्ड का भी अपलोड करना होगा, फोटो, और यहाँ अगर आप एम्प्लॉयड आईडी अगर है तो आप एम्प्लॉयड आईडी डालिए या फिर सैलरी स्लिप आपको कोई एक अपलोड करना होगा। तो इस तरह से आपको सेव कर लेना है। अगर आपके पास ये सारे चीज़ें डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन सही फिलअप करते हैं, फिलअप करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर 5,000 रुपये तक का लोन लिमिट्स आपको मिल सकता है और अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो दोस्तों बहुत ही इजीली एप्लीकेशन है, इजी वे में आप यहाँ पर एप्लीकेशन फिलअप करते ही आप लोन अमाउंट्स अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया और नया एप्लीकेशन है, 101% मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, बहुत ही मस्त और बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन से लोन अमाउंट्स आप ले सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये छोटी सी वीडियो को पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लोन और फाइनेंस से रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो लाते रहता हूँ। मिलते हैं ऐसे नए एप्लीकेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।